रुकमनी एक बूढ़ी औरत है अक्सर वो कल्पनाएं करती है कि उसका पति जो कई साल पहले मर चुका था उसके पास ही लेटा हुआ है दिन के समय में वो अपने गोद लिए बेटे पुली के साथ में बाहर बैठती है वहाँ से वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग देख सकती है जहाँ पर उसका बड़ा बेटा सेल्वम काम करता है और वो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट है रुकमनी अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाना शुरू करती है वो गांव के मुखिया की बेटी है और अपनी तीन बहनों से छोटी है उससे बड़ी तीन बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी इसलिए रुकमनी भी अपने लिए ऐसी ही शादी के सपने देखती है लेकिन अपनी बेटियों की शादी में ही मुखिया के सारे पैसे ख़त्म हो गए इसलिए जब रुकमनी 12 साल की होती है तो उसकी शादी एक किसान से कर दी जाती है जिसका नाम नाथन होता है रुकमनी के लिए ये हस्बैंड उसके मैच का नहीं होता रुकमणि डरी हुई है लेकिन नाथन एक अच्छा आदमी होता है लेकिन रुकमनी जब यह देखती है कि नाथन एक मिट्टी के घर में रहता है तो वो दुखी हो जाती है लेकिन अपने पति को ये एहसास नहीं होने देती और ऐसा दिखाती है जैसे कि वो अपने नए घर से काफ़ी खुश है वहाँ रुकमनी अपनी पड़ोसी औरतों से मिलती है जैसे कि काली जानकी और कुंती रुकमणी जानती है कि उसको खेती बाड़ी का काम नहीं आता फिर भी नाथन उसकी तारीफ़ करता है लेकिन नाथन रुकमनी से एक बच्चा चाहता है रुकमणी लिखना शुरू करती है लेकिन एक औरत होने के नाते उसकी राइटिंग कोई मायने नहीं रखती रुकमनी यह संकल्प लेती है कि वह अपने बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाएगी हालांकि नाथन एक अनपढ़ आदमी होता है लेकिन कभी रुक्मिणी को उसने पढ़ने से नहीं रोका। और रुकमनी अपने पति की इस बात की तारीफ करती है जल्दी ही रुक्मिणी को एक बेटी होती है जिसका नाम वो इरा रखते हैं पहले तो दोनों लड़की के होने से दुखी होते हैं लेकिन बाद में उसे पसंद करने लगते हैं लेकिन अगले छः साल तक रुकमनी को कोई बच्चा नहीं होता इस बात से वो परेशान है और उसके लिए अपनी माँ के साथ में मंदिर जाती है लेकिन जब इससे बात नहीं बनती तो वो एक ब्रिटिश डॉक्टर के पास में जाकर अपना इलाज कराती है इस डॉक्टर का नाम होता है केनी डॉक्टर के पास जाने की बात वो अपने पति से छिपा लेती है और जल्दी ही एक बेटे को जन्म देती है इसका नाम होता है अर्जुन सभी गाँव में खुश होते हैं आगे आने वाले कुछ सालों में रुक्मनी चार और लड़कों को जन्म देती है उनका नाम होता है थाम्बी मुर्गन राजा और सेलवम लेकिन बढ़ते हुए परिवार उसकी आमदनी को घटा देते हैं और ख़र्चों को बढ़ा देते हैं जिससे उन्हें घर का सामान बेचना पड़ता है अपना और बच्चों का पेट भरने के लिए गाँव में कुछ डेवलपमेंट भी होते हैं लेकिन उनसे रोजगार बढ़ने की बजाय घट ही जाता है रुक्मणी को सड़क से जानवरों का गोबर इकट्ठा करना पड़ता है आग जलाने के लिए इसी बीच वहाँ पर डॉक्टर कीनी भी आ जाता है जो रुक्मणी की इस हालत को देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता लेकिन वो रुक्मणी के बच्चों से काफ़ी अच्छे से पेश आता है जब भी वो घर आता है तो मिठाइयाँ बकरी का दूध जैसी खाने पीने की चीज़ें लेकर आता है लेकिन रुक्मणी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती अब रुक्मणी की बड़ी बेटी बड़ी हो गई है उसकी शादी की उम्र हो गई है लेकिन उसके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं हैं लेकिन इरा रेड्डी बहुत खूबसूरत है इसलिए उसको एक अच्छा पति मिल भी जाता है जो बाद में बहुत सारी ज़मीन का मालिक बनेगा और इरा की शादी हो जाती है लेकिन इस साल मानसून जल्दी आ जाता है जिसकी वजह से चावल की खेती पर असर पड़ता है और खाने की चीज़ों के दाम तेज़ हो जाते हैं इससे रुकमनी के परिवार को काफ़ी परेशानी होती है इरा अड्डी की शादी की पाँच साल बाद वो अपनी माँ रुकमनी के पास अपने पति के साथ वापस आती है क्योंकि वो बांझ है और बच्चा ना होने की वजह से उसका पति उसे छोड़कर दूसरी शादी करने वाला है इससे इरा डिप्रेस्ड और परेशान है दूसरी तरफ अर्जुन और थाम्बी को जॉब मिल जाती है और इरा घर पर ही रहती है वो मुश्किल से ही खाना खा पाते हैं सभी उस पैसों से जितना वो दोनों भाई कमाते हैं रुक्मणी को अपने बेटों की शादी की भी चिंता है जब नाथन अपने एक मित्र के फिनरल पर चला जाता है तो रुक्मणी इरा के साथ में डॉक्टर केनी के पास कंसल्ट के लिए जाती है उधर अर्जुन और थाम्बी सिलोंग चले जाते हैं चाय के प्लांटेशन में काम करने के लिए मुरगन शहर में नौकरी का काम करने के लिए चला जाता है इस साल सूखा पड़ जाता है इसलिए उनकी फसलें भी मर जाती हैं और शिवाजी अपनी ज़मीन के पैसे लेने आ जाता है जिस ज़मीन में रुक्मणी का पति खेती करता है दोनों घर का कुछ सामान बेचकर उसका आधा कर चुकाते हैं और आधा बाद में देने का वादा करते हैं शिवाजी वो है जिसने अपनी ज़मीनें नाथन को किराए पर दी हैं बोने के लिए रुक्मणी कुछ चावलों को सुरक्षित रखने के लिए उनको दबा देती है लेकिन कुंती नाथन को ब्लैकमेल करती है क्योंकि नाथन का और कुंती का शादी के बाद में अफेयर रहा था और नाथन वो दबे हुए चावल कुंती को दे देता है लेकिन बाद में रुक्मणी को पता चल जाता है उसे दुख तो होता है लेकिन वो खुश है कि उनको कुंती से छुटकारा मिल गया कुछ दिन बाद गांव वाले उसके एक बेटे राजा का शव लेकर आते हैं वो फैक्ट्री में खाना चुराने की वजह से पकड़ा गया और वॉचमैन के द्वारा मारा गया रुकमणि ये देखकर खामोश हो जाती है और गहरे सदमे में चली जाती है और फैक्ट्री के लोग इस पर उसे ये चेतावनी भी दे देते हैं कि अगर उसने केस करना चाहा तो अच्छा नहीं होगा रुकमनी कन्फ्यूज़ है कि करे तो करे क्या दिन बीतते जाते हैं घर में सभी लोग भूख की वजह से कमज़ोर हो रहे हैं ख़ास करके रुकमनी का सबसे छोटा बेटा कुटी एक रात रुकमनी बाहर कुछ आवाज़ सुनती है और देखती है तो इरा एड्डी होती है पूछने पर पता चलता है कि ईरा कुटी के लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए प्रस्टिट्यूट बन गई है रुकमनी दुखी है और नाथन गुस्से में लेकिन इरा अपने फैसले खुद ले सकती है इरा कुटी के लिए खाना लाती है फिर भी कुपोषण की वजह से कुटी मर जाता है और अब इरा प्रेग्नेंट भी है उधर डॉक्टर केनी ब्रिटिश से चंदा करके गांव में एक अस्पताल खोलता है सेलबम केनी के साथ में काम करना चाहता है तो सेलबम अपनी फैमिली के साथ में टाइम कम और डॉक्टर केनी के साथ में ज़्यादा बिताता है इससे उसे उस लाइन की अच्छी नॉलेज हो गई है कुछ दिन बीतते हैं तो शिवाजी आता है और उनको इन्फॉर्म करता है कि उनकी ज़मीन फैक्ट्री को बेच दी गई है अब उनके पास दो हफ्तों का समय बचा है वहाँ से निकलने का रुकमनी सेलबम और इरा को वहीं छोड़कर शहर में मुर्गन को तलाशने निकल जाती है उसे तलाशने में उसको दो दिन लगते हैं लेकिन वहाँ जब वो मंदिर में सोती है तो वहाँ पर जो उसके पैसे होते हैं सामान होते हैं चोरों के द्वारा चुरा लिए जाते हैं अब इस पर वो क्या करे? जैसे तैसे वो वहाँ पहुँचती है जहाँ पर मुर्गन काम करता है वहाँ जाकर पता चलता है कि वो अब वहाँ पर काम नहीं करता लेकिन एक नौकर नाथन और रुकमणि को वहाँ ले जाता है जहाँ मुर्गन रहता था वहाँ मुर्गन तो नहीं मिलता बल्कि उसकी पत्नी अम्मू और उसके बच्चे मिलते हैं और मुर्गन उन्हें छोड़कर भाग गया है ये भी पता चलता है अमू की हालत ख़राब है इस पर रुकमणि अपने बेटे की करतूत पर शर्मिंदा है अब रुकमणि और नाथन के पास ना खाना है और ना पैसे तो रुकमणि वहीं पर लिखने और पढ़ने का काम कर लेती है और कुछ खाने के लिए पैसे कमा लेती है इस सब में पुली नाम का लड़का उसकी मदद करता है और वो बाद में कहीं और काम करने लगते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं अब रुकमनी गांव वापस आने का फैसला लेती है तो पुली उनके साथ में आने से मना कर देता है लेकिन एक दिन नाथन को बुखार आ जाता है और अगले दिन वो मर जाता है अब पुली रुकमनी के साथ में गांव चलने के लिए तैयार है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है रुकमणी के पास गाँव आने तक के लिए पैसे हैं जब वो गाँव आते हैं तो सेल्वम और इरा उनका खुशी से स्वागत करते हैं और इसी पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है